या सीबीएसई बोर्ड का है ये नहीं देखा जाता, इसलिए हमारे बच्चे मेरिट रहते हुए भी पीछे रह जाते हैं। अब तो एक चीज और भी है कि हमारे शिक्षा को भी नकारा जा रहा है, एनएफएस कह दिया जाता है, नॉट काउंटेबल दिस पोस्ट। आपकी शिक्षा इस पोस्ट के लिए है ही नहीं। इतने एजुकेटेड पर्सन हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी लोग जो योग्यता रखते हैं, देश चलाते हैं, देश के प्रोडक्शन में उनका 100% योगदान है, चाहे वो सड़क बनाने से लेके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जितने भी आप देख रहे हैं, आप दिल्ली में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये बनाने वाले कौन है? कौन बनाने वाला है? वो बनाने वाला है क्या? पट्टाधारी बनाने वाला है क्या? छुट्टी वाला बनाने वाला है क्या? कभी कन्नी चलाता हुआ देखा क्या उसको? और वही नालायक लोग हमारे लोगों को जो लायक है वो ठप्पा लगा रहा है, नालायक लोग इनको देना नहीं चाहते। इसलिए हमें लड़के अपने अधिकार लेने होंगे। बाबा साहब ने कहा है आपके अधिकार मांगने से मिलने वाले नहीं है, छीनने पड़ेंगे। ये देश बाप दादाओं का है, ये देश हमारा है, इसकी रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कि जो न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, जब तक चमार धोबी धानुक भंगी पासी अहिर गलरिया कुर्मी अलग अलग चलेंगे, जूता तब्बल पड़ेगा, इकट्ठा हो जाएंगे, उसी दिन देश परिवर्तन की राह पर आ जाएगा। इसलिए कि जो न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, और मंजिल तेरे पग छूमेगी आज नहीं तो कल। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय संविधान, जय मूल्यवासी। यहाँ का मूल निवासी साबित होता है। इसकी लड़ाई को महामनाराम स्वरूप वर्मा ने इस संजीदगी से उठाया था। आज बड़े गर्व और खुशी की बात है कि उनके रास्ते पर आज लाखों लोग देश भर में फैले हुए हैं और उनकी विचारधारा को और खास करके शिक्षा संबंधी मानववादी नीतियों को लागू करने के लिए संघर्षरत है। और राम स्वरूप वर्मा के पक्के अनुयायी पिछले आंदोलन में इसी जंतर मंतर पर गिरफ्तारी का कार्यक्रम जो किया था और सरकार को हिला दिया था, और बाध्य होकर के यहाँ की केंद्रीय सरकार ने एक फैसला किया कि भारत के तमाम पंचायतों में इंटर स्तरीय मतलब 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए बाध्य हुआ। और आज के कार्यक्रम से हम आशान्वित हैं कि सरकार सुने आज हमारी बात या नहीं सुने, अर्जक संघ के लोग अपने आगामी आंदोलन को और बेहतर और धारदार बनाने के लिए काम करेंगे और अंततः सरकार को बाध्य कर देंगे मानववादी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, ताकि हमारे बीच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अबुल कलाम आजाद जैसे लोग जो छुपे हुए हैं इनकी गलत शिक्षा नीतियों के चलते, उस पर रोक लगे और हमारा जो है पूरा देश में शिक्षा के चलते जो दुर्गति हो रही है, शिक्षा की गिरावट के चलते जो दुर्गति है उस पर रोक लगे और नई शिक्षा नीति जो हमारा अर्जक संघ के माध्यम से लागू होगा उसके माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास होगा। हम दुनिया के देशों में सर्वोपरि थे, विश्वगुरु थे और पुनः हम विश्वगुरु हो सकेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय अर्जक। जो सांसद हैं, असेंबली को सुशोभित करने वाले जो विधायक हैं, सारे लोगों को देश की जनता जो है कि घेरना शुरू करेगी, देश में अर्जक घेरना शुरू करेंगे कि हमारे इस जायज मांग को तुम क्यों नहीं उठाते हो। हमारा इस जायज मांग के यदि नहीं उठाओगे तो बाय बाय टाटा। जो राजनीतिक दल हमारे इस संगठन जायज मांग को तवज्जो देगा, मान्यता देगा और चलेगा,
अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, अपने उसूल में शामिल करेगा, उसके साथ ऑब्जेक्शन कंधा से कंधा मिला करके हम उसको ताकत देने का काम करेंगे, वरना अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ यह सीबीएसई बोर्ड का है ये नहीं देखा जाता, इसलिए हमारे बच्चे मेरिट रहते हुए भी पीछे रह जाते हैं। अब तो एक चीज और भी है कि हमारे शिक्षा को भी नकारा जा रहा है, एनएफएस कह दिया जाता है, नॉट काउंटेबल दिस पोस्ट। आपकी शिक्षा इस पोस्ट के लिए है ही नहीं। इतने एजुकेटेड पर्सन हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी लोग जो योग्यता रखते हैं, देश चलाते हैं, देश के प्रोडक्शन में उनका 100% योगदान है, चाहे वो सड़क बनाने से लेके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जितने भी आप देख रहे हैं, आप दिल्ली में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे देख रहे हैं, ये बनाने वाले कौन है? कौन बनाने वाला है? वो बनाने वाला है क्या? पट्टाधारी बनाने वाला है क्या? छुट्टी वाला बनाने वाला है क्या? कभी कन्नी चलाता हुआ देखा क्या उसको? और वही नालायक लोग हमारे लोगों को जो लायक है वो ठप्पा लगा रहा है, नालायक लोग इनको देना नहीं चाहते। इसलिए हमें लड़के अपने अधिकार लेने होंगे। बाबा साहब ने कहा है आपके अधिकार मांगने से मिलने वाले नहीं है, छीनने पड़ेंगे। ये देश बाप दादाओं का है, ये देश हमारा है, इसकी रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि चोट न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल। जब तक चमार धोबी धानुक भंगी पासी अहिर गलरिया कुर्मी अलग अलग चलेंगे, जूता संपर्क पड़ेगा, इकट्ठा हो जाएंगे, उसी दिन देश परिवर्तन की राह पर आ जाएगा। इसलिए कि जोश न ठंडा होने पाए कदम मिला के चल, और मंजिल तेरे पग छूमेगी आज नहीं तो कल। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय संविधान, जय मूल निवासी।